बिल्कुल, लगता तो ऐसे ही है कि जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के वजह से और सांप्रदायिक सौहार्द के कारण भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कमजोर हुआ है, और यहाँ तक कि विरोध इतना है कि वहां पर सांसदों और मंत्रियों का जाना मुश्किल है, तो ऐसे हालातों में आपकी जो भरपाई करेंगे वो कहाँ से करेंगे? देखिए, जो पूर्वांचल है 28 जिले हैं और 164 सीटें हैं करीब करीब। पिछली बार 2017 के चुनाव में 115 सीटें बीजेपी को मिली थी। जैसा कि भट्टी जी ने बताया कि अखिलेश यादव भी यहां से 105 सीटें जीते थे 2012 के चुनाव में। तो निश्चित रूप से पूर्वांचल निर्णायक स्थिति में है किसी भी सरकार के लिए, और पूर्वांचल से योगी आदित्यनाथ भी हैं, वहीं से चुनाव लड़ते हैं नरेंद्र मोदी, और वो जिस तरह से घेरेबंदी कर रहे हैं वहां पर, उससे लग ये रहा है कि अपने उस जो उन्होंने प्रदर्शन किया था पिछले इलेक्शन में, उसको दोहराने की कोशिश में है, या वहां पर डेंट लगे तो कम लगे, जितना मैं समझता हूं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। तो 115 सीटों की जगह पर अगर वो 100 पर भी मेंटेन कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी और उत्तर प्रदेश में वो 100 सीटों पर और काम करेंगे और पूर्ण बहुमत की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उसी पूर्वांचल में तकरीबन 55% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उसी पूर्वांचल में इतनी ज्यादा गरीबी, बेकारी, भुखमरी है कि वहां के हालात इस कदर हो गए हैं कि चाहे आपका कोरोना का समय हो, जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने देखा कि सैकड़ों किलोमीटर चल करके लोग नंगे पांव, लहूलुहान बदन, अपने बच्चों को भूख प्यास से मरते हुए, अपनी औरतों को पैदल ले जाते हुए दिखाई दिए, और जिस तरह की मैं समझता हूं कि गैर संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया था सरकार ने, वो पूर्वांचल की का जनमानस उस तरह से माफ करने वाला नहीं है। दूसरी तरफ उसी पूर्वांचल में अब पंचायत चुनाव जब हो रहे थे, तो कोरोना जिस तरह से फैल रहा था, बावजूद उसके उसको नहीं रोका गया, तो लोग कई चुने हुए प्रधान मर गए उस बीच में, और जो अध्यापक थे वो संक्रमण होकर के उनकी मौत हो गई, कई पुलिस वाले मर गए। तो ये तो जी पूरे उत्तर प्रदेश के हालात थे, उसमें पूर्वांचल अलग नहीं है, लेकिन पूर्वांचल के साथ मुश्किल ये है कि वहां पर कई तरह की बीमारियां भी अचानक खड़ी होती हैं, और गोरखपुर में ही देख लीजिए, गोरखपुर में बच्चों की मौतें होती हैं, लेकिन योगी सरकार पूरे 5 साल अब तो होने को जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे हालात काबू में आते या कुछ और बदलाव होता। आपको ख्वाब दिखाना तो बहुत अच्छा आता है, आप पूर्वांचल को पता नहीं क्या बनाना चाहते थे, लेकिन असलियत ये है कि एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के दम पर आप उस पूर्वांचल की आर्थिक उन्नति का ख्वाब दिखाएंगे तो लोगों को समझ में आता है कि 5 साल के बाद आप वो काम कर रहे हैं, और वो भी इतने आनन फानन में कि जिसमें दुरुस्त भी नहीं है, और जो जो काम होना चाहिए था वो भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसी वजह से आपको वहां फाइटर जेट आपको उतारने पड़ रहे हैं, क्योंकि अब आपको राष्ट्रवाद का तड़का लगाना है, बिना इसके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं चल सकती है। अभी धर्म का तड़का तो लग ही रहा है, लगातार लग रहा है, लेकिन नोटबंदी जब आपने की थी तब आपने वादा किया था कि साहब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, ये लोगों के जेहन में क्या सवाल नहीं है? मुझे लगता है कि अब जो जनमानस है वो उस तरह का अबोध नहीं है, वो बहुत जागरूक है, और उसकी जो ताकत है वो सोशल मीडिया बनी हुई है, और वो तमाम यूट्यूब चैनल बने हैं जहां पर वो देख करके, और आपको आश्चर्य होगा कि लोग ट्रेन में एक डिब्बे में 15-15 लोग बैठ करके इस तरह के चैनल देखते हैं। उससे मुझे, मैं परसों ही था एक ट्रेन में, तो उसमें मैंने देखा कि 15-20 लोग बैठ करके, और बिल्कुल नौजवान थे, वो सब योगी आदित्यनाथ को क्रिटिसाइज कर रहे थे। मोदी जी के प्रति अभी भी उनका भाव है उस तरह का, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर के बहुत ज्यादा नाराजगी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।